दोस्तों, अनीता पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की वो पहली अदाकारा और डांसर थी जिसने पहली मरतबा किसी पाकिस्तानी फिल्म में नंगे डांस और फहश सीन्स अक्स बंद कराए और एक ऐसी रिवायत की बुनियाद रखी जिसने बाद में पंजाबी और खासकर पश्तो फिल्मों का बेड़ा गर्क कर दिया और वेलगेरिटी और नंगे डांस फिल्मों में इतने आम हुए कि बाद में मुसरत शाहीन, सबा शाहीन, सुनीता खान, बाबरा राज और जमारुद ने अपने नंगे और होशरुबा गानों से फिल्मी सनत का बेड़ा गर्क कर दिया और शरीफ खानदान से महालों में आने से कतराने लगे और फिल्में सिर्फ ओबाश और लोफर नौजवानों के लिए बनाई जाने लगी। अनीता से पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में कई रकासाएं मौजूद थी जिनमें निग्गू, एमी मीनवाला, रक्षी और जमरुद सुल्ताना काबिल जिक्र है, लेकिन अनीता की बदनाम जमाना पंजाबी फिल्म खतरनाक में नंगे डांस ने फिल्मी रकस को मुजरम में तब्दील कर दिया और बाद में हर फिल्म में नंगे डांस पेश किए जाने लगे। खतरनाक 1974 में रिलीज होने वाले एक मामूली और कम तजुर्बेकार हिदायतकार रहमत अली की मारदार और बोल्ड सीन से भरपूर एक बेमकसद और कम मायारी एक्शन फिल्म थी और मारदार से भरपूर सीन ने फिल्म को डायमंड जुबली हिट बना दिया और इस फिल्म के देखा देखी दूसरे हिदायतकारों ने भी अपनी फिल्मों में नंगे सीन्स फिल्म बंद कराने शुरू कर दिए जिनका सबसे बड़ा नुकसान पश्तो फिल्मों को हुआ। अनीता का ताल्लुक बाजार हुसन से था। उसे पहली बार 1973 में मशहूर पंजाबी फिल्म मिस्टर बुद्धू में हिदायतकार एस टी जेदी ने रंगीला के हमरा कास्ट किया। 1973 में हिदायतकार दिलजीत मिर्जा ने पंजाबी फिल्म खबरदार में अनीता को एक अहम रोल में कास्ट किया। इस फिल्म में अनीता को अपने जलवे बखेरने का भरपूर मौका मिला और फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने अनीता को फिल्म इंडस्ट्री में एक आइटम गर्ल के तौर पर शनाख्त दी। जो 1974 में कम तजुर्बेकार हिदायतकार रहमत अली ने बट्टू दौरे हुकूमत की आजाद ख्याली से फायदा उठाते हुए एक पुरतशद्दत और जिंसी हैजान खेज रक़्स से भरपूर एक कम मायारी कमर्शल पंजाबी फिल्म खतरनाक में अनीता को एक आइटम गर्ल के तौर पर कास्ट किया। इस फिल्म में मुस्तफा कुरेशी, यूसुफ खान, अफजाल अहमद, नीलो और नज़ली जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। इसके बावजूद अनीता के होशरुबा नंगे रक़्स फिल्म की हाईलाइट साबित हुए। और ये अपने दौर की काबिल एतराज और नंगी फिल्म साबित हुई जिस पर पाबंदी भी आयद की गई। इसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डायमंड जुबली मनाई और अनीता एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर मशहूर हो गई और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए दूसरे हिदायतकारों ने भी अपनी फिल्मों में आइटम सॉन्ग पिक्चराइज करने शुरू कर दिए। खतरनाक की कामयाबी के बाद रहमत अली ने अपनी अगली फिल्म में अनीता को कास्ट किया जिसकी देखा देखी हिदायतकार इकबाल कश्मीरी और नसीम हैदर शाह ने भी अपनी जेर तकमील फिल्मों में अनीता को कास्ट करना शुरू कर दिया। 1975 में अनीता की कोई फिल्म रिलीज न हो सकी, लेकिन 1976 में अनीता की चार फिल्में रिलीज हुई जिनमें हिदायतकार रहमत अली की फिल्म खौफनाक सरपहरस्त थी।
خوفناک بھی پچھلی فلم خطرناک کی طرح ایک پرتشدد اور ہوشربا ننگے ڈانس سے بھرپور فلم تھی جس میں ایک بار پھر انیتا کے بڑکیلے ڈانس پیش کیے گئے تھے۔ نسیم حیدر شاہ نے انیتا کو اپنی دو فلموں جانو کپتی اور کل کل میرا نا میں کاسٹ کیا۔ ان دونوں فلموں کے ہیرو منور ظریف تھے اور دونوں فلموں میں انیتا کے ہیجان خیز رقص دیکھنے کو ملے۔ اسی سال اقبال کشمیری کی پنجابی فلم ٹھگ گاندے ٹھگ میں بھی انیتا بولڈ رقص کرتی نظر آئی۔ یہ فلم اقبال کشمیری کی بلاک بسٹر فلم بنارسی ٹھگ کی کاپی تھی۔ چونکہ انیتا پر ایک بدنام زمانہ رقاصا کا لیبل لگ چکا تھا، اس لیے وہ کبھی سفیول کی اداکارہ نہ بن سکی اور ہر فلم میں صرف مجرو اور آئٹم نمبرز ہی میں نظر آتی رہی، اور زیادہ تر ہدایت کار رحمت علی کی فلموں میں ہی نظر آئی جو اس وقت انیتا پر کچھ زیادہ مہربان دکھائی دے رہے تھے۔ سپر ہٹ فلم دبئی چلو میں بھی انیتا پر ایک سپر ہٹ گیت افز بند کیا گیا تھا۔ انیتا نے جن پشتو فلموں میں کام کیا ان میں مجاہد، دا ظلم انجام اور قہر وغیرہ شامل ہیں۔ انیتا کبھی سفیول کی اداکارہ نہ بن سکی، وہ نگو، امروزیا، رخشی اور ایمی مینوالے کی طرح صرف مجرے اور گانوں پر ہی پکچرائزیشن کرتی نظر آئی۔ 20 سالہ فلمی کیریئر میں انیتا نے تقریباً 22 فلموں میں کام کیا، اور کیریئر کے آخری دور میں پشتو فلموں میں ننگے ڈانس تک ہی محدود رہی اور بعد میں منظر عام سے غائب ہو گئی۔